जी, प्रतिभा जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और हमारे मंच पर हमारे बीच आदरणीय गायत्री नीरज चौबे जी उपस्थित हैं, जो प्रसंग पटल पर बहुत ही सक्रिय रहते हैं और बहुत अच्छी प्रभात सुप्रभात के ओर वो डालती हैं, वरना बहुत सुंदर डालती हैं और गीत भी वो बहुत अच्छे लिखती हैं, कविताएं भी बहुत अच्छी लिखती हैं। मैं आमंत्रित करती हूँ आए और हम सबको अपनी रचना, सुंदर सी रचना सुनाए। मंच को नमन करती हूँ, माँ वीणा माणी को नमन करती हूँ और मंच पर आसीन सभी सुरीजनों को हार्दिक वंदन अभिनंदन करती हूँ और सभी सुरी श्रोताओं का अभिनंदन करते हुए और बहुत थोड़ा सा कम शब्दों में आज कहूँगी कि नयन जी के जन्मदिन की उन्हें अग्रिम अग्रिम बहुत बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं और उन्हीं को अर्पित चार पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ। है तमन्ना मेरी बुलंदियों को छो, है तमन्ना मेरी बुलंदियों को छो, दुआ हम ये देते चले जाएंगे, रहो शायरों के शायर कवियों के दुलारे, हो शायरों के शायर कवियों के दुलारे, कामना शुभ ये देते चले जाएंगे, हे तमन्ना मेरी बुलंदियों को छुओ, अंबर से सितारा है एक आया, अंबर से सितारा है एक आया, आकर के धरा पर वो छा गया, आकर के धरा पर वो छा गया, अपने व्यवहार से कलम की धार से, अपने व्यवहार से कलम की धार से, सब कहरने वो देखो मन आ गया, है तमन्ना मेरी बुलंदियों को छो। और आज से कार्तिक माह का प्रारंभ हो गया है और अभी अभी माता का माता की विदाई हुई और अब कान्हा का पुनरागमन, अब कान्हा जी आ गए हैं पृथ्वी में, तो कान्हा जी के स्वागत में चार पंक्तियां निवेदित करती हूँ। जब भी रहमत पे कान्हा मेरी नजर जाती है, जब भी रहमत पे कान्हा मेरी नजर जाती है, प्रभु मेरे मेरी आंखें भर भर आती है, प्रभु मेरे मेरी आंखें भर भर आती है, अब है देर है इतना मुझे गिरधर नागर, अब है देर है इतना मुझे गिरधर नागर, मांगने से पहले ही असर दुआ कर जाती है, मांगने से पहले ही असर दुआ कर जाती है, स्वागतम है तुम्हारा आ ही गए तुम आखिर, स्वागतम है तुम्हारा आ ही गए तुम आखिर, नयन जल पुष्प बन के धार निकल जाती है, नयन जल पुष्प बन के धार निकल जाती है, नयन जल पुष्प बन के धार निकल जाती है, जब भी रहमत पे कान्हा मेरी नजर जाती है, जब भी रहमत पे कान्हा मेरी नजर जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी के लिए। आप सही मिली।
मुझे बीच में नहीं आना चाहिए, लेकिन किसी का ध्यान नहीं है इसलिए मैं आ रहा हूँ कि हमारे अध्यक्ष महोदय मुख्य अतिथि पढ़ें, उसके पहले कविता राजी का पढ़ना लाजमी है। मैं उन्हें बुलाना चाहता हूँ इन चार मिसरों से कि तुम नवरत्नों की खान बनो, तुम नवरत्नों की खान बनो, तुम भारत की वरदान बनो, भर लो जगजीवन में उजियारा, तुम दिनकर सी कवि महान बनो, तुम दिनकर सी कवि महान बनो। हमारे बीच में संचालन कर रही है आदरणीय कविता राही साहब आमंत्रित है काव्य पाठ की। सभी आदरणीय दीदियों को सादर नमन करती हूँ और सभागार में उपस्थित मेरी सभी बहनों को हार्दिक वंदन करती हूँ। और नयन जी ने तो मुझे बहुत ऊंचाई पर ले जाकर बिठा दिया, एक बहुत ही छोटी सी रचना कर रहा हूँ और वाकई मुझे कुछ लिखना नहीं आता, जो मैंने थोड़ा सा लिखा है उसको आप सबके सामने रख रही हूँ। जीवन का एक शाश्वत सत्य है मृत्यु, और आज सुबह सुबह कुछ लाइनें मेरे दिमाग में आई जो मैंने लिखी हैं, तो सुनिएगा। मौत दरवाजे पर खड़ी थी, मौत दरवाजे पर खड़ी थी, ले जाने मुझे वो अड़ी थी, था जज्बा जीने का बहुत, था जज्बा जीने का बहुत, आखिरी दम तक लड़ी थी, हो रही थी विदा दुनिया से, हो रही थी विदा दुनिया से, बड़ी ही नाजुक वो घड़ी थी, जीना चाहती थी मैं मगर, जीना चाहती थी मैं मगर, टूट रही सांसों की लड़ी थी, टूट रही सांसों की लड़ी थी, आए हो तो जाना ही पड़ेगा, आए हो तो जाना ही पड़ेगा, मृत्यु जीवन की ही कड़ी थी, मृत्यु जीवन की ही कड़ी थी, मिलेगा किसको क्या बात मेरे। आजकल इंसान दौलत का बहुत भूखा हो गया है और बच्चे भी शायद दौलत को ज्यादा तवज्जो देने लगे माँ बाप की अपेक्षा, तो वही चीज मैंने यहाँ रखना चाहिए है। मिलेगा किसको क्या बात मेरे, सबको अपनी अपनी पड़ी थी, मिलेगा क्या, मिलेगा किसको क्या बाद मेरे, सबको अपनी अपनी पड़ी थी, खुला कर्मों का लेखा जोखा, खुला कर्मों का लेखा जोखा, आई पालकी सितारों जड़ी थी, आई पालकी सितारों जड़ी थी। अभी अभी नवरात्र समाप्त हुए हैं और मैं माता रानी की पूजा करती हूँ। जब नवमी थी उस दिन, तो जब मैं पूजा कर रही थी तो मेरे मन में एकदम से बहुत बुरा मुझे महसूस हुआ कि आज आखिरी दिन है माता का, और मेरे मुँह से अपने आप ही बोल फूटे, कैसे करूं मैं तेरी विदाई, तू ही बताओ मेरी माई, जिसको मैंने फिर बाद में गीत में ढालने की कोशिश की। सुनिएगा, शायद मैं सफल हो पाई, नहीं तो आप लोग ही बता पाएंगे, मेरी आवाज बहुत अच्छी नहीं बट कोशिश कर रही हूँ गाने की। कैसे करूं मैं, कैसे करूं मैं, कैसे करूं मैं विदाई हो मेरी माई, कैसे करूं लबिका है जगी
ही बड़ा धर्मात्मा बनता था, देखो आज ये कैसे दिन आ गए, जबकि वो समय में आता जाता रहता है। तो उन्हें उसी चीज को मैंने मैया से अरदास की है, जो मैया शायद सुनेंगे मेरी। हाथ पकड़ कर मैया मुंह नहीं मोड़ना, हाथ पकड़ कर मैया मुंह नहीं मोड़ना, बीच भवर में मुझको तू नहीं छोड़ना, बीच भवर में मुझको तू नहीं छोड़ना, होने न देना जग हसाई हो मेरी माई, होने न देना जग हसाई हो। और हमारे बीच आदरणीय अंबर दीदी जी उपस्थित हैं, जिनके लिए मैं क्या कहूँ, वो तो बहुत ही बड़ी साहित्यकार हैं, जो देश विदेश में सब जगह जिनकी ख्याति है। और अच्छा, जिनको कोकिल गंठी के नाम से भी बुलाया जाता है। तो मैं अंबर दीदी को आमंत्रित कर रही हूँ दो पंक्तियों के साथ, कि शब्दों के इत्तफाक में यूं बदलाव करके देख, तू देख कर ना मुस्कुरा बस मुस्कुरा के देख, देख कर ना मुस्कुरा बस मुस्कुरा कर देख। आदरणीय अंबर दीदी जी आए और हम सबको अनुग्रहित करें। सम्माननीय मंच, और अभी अभी मेरे अग्रज मोहन शशि जी उपस्थित हुए, उन्हें प्रणाम करती हूँ। कृपाण जी यहाँ बैठे हुए हैं और बहुत सारी कवित्रियाँ अपना काव्य पाठ करके घर जा चुकी हैं। ये कवित्री सम्मेलन की परिकल्पना प्रतिभा जी की थी, और ये 7 दिवसीय कार्यक्रम जो है नयनोत्सव, मेरे अनुज विनोद नयन जी के लिए किया गया। मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको याद करो तो कभी प्यार, कभी स्नेह, कभी आदर, कभी श्रद्धा पैदा होती है। बहुत से लोग ऐसे आपके जीवन में भी आए होंगे, और मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं जब भी विनोद भैया को याद करती हूँ तो एक प्यारा सा छोटा भाई मेरे सामने आता है। बहुत स्नेह करती हूँ इन्हें, और ये भी मुझे बहुत स्नेह करते हैं। मैं अपने जीवन की अशेष शुभकामनाएं इनके जन्मदिन के अवसर पर प्रदान कर रही हूँ, आशीर्वाद दे रही हूँ कि जो इन्होंने साहित्यिक सांस्कृतिक मशाल को जलाए रखे हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है कि इतने झंझावात में कोई दीपक जलता रहे, और ऐसा ही दीपक विनोद नयन है। कवित्री सम्मेलन रखा गया, बहुत सारी हमारी बहनों ने काव्य पाठ किया। मैं 4 पंक्तियाँ अपनी बहनों को देना चाह रही हूँ इस मंच से, कि जब लड़की घर के बाहर निकलती है तो क्या होता है, और अगर वो शिक्षित है तो क्या होता है। 4 पंक्तियाँ देखिएगा। कि मैं चीर कर अंधेरा बाहर निकल रही हूँ, मैं चीर कर अंधेरा बाहर निकल रही हूँ, दुनिया में हो उजाला शम्मा सी जल रही हूँ, दुनिया में हो उजाला शम्मा सी जल रही हूँ, माँ की दुआ का साया रहता है साथ मेरे, माँ की दुआ, माँ सरस्वती माँ और अपनी माँ, उसका आशीर्वाद हमेशा रहता है। तो माँ की दुआ का साया रहता है साथ मेरे, बेखौफ हो के मैं तो शोलों पे चल रही, बेखौफ हो के मैं तो शोलों पे चल रही।
में चीर कर अंधेरा बाहर निकल रही हूँ। दुनिया में हो उजाला शम्मा सी जल रही हूँ। ये लड़की जब पढ़ लिख जाती है तो लड़की का जीवन बड़ा कठिन होता है, ये आप भी जानती हैं। और ये हंसते मुस्कुराते चेहरों के अंदर कितनी वेदना है, कितनी पीड़ा है, ये कोई नहीं जानता है। महिलाएं बहुत सारे दुख दर्द अपने अंदर समेटे रहती हैं। चार पंक्तियां और दे रही हैं। कहानी लिख नहीं सकती किसी खुश रंग मंजर की, कहानी लिख नहीं सकती किसी खुश रंग मंजर की। पछाड़े खा रही लहरें बिरहा के समंदर की, पछाड़े खा रही लहरें बिरहा के समंदर की। छिटकती चांदनी देखी है तुमने सिर्फ अंबर की, छिटकती चांदनी देखी है तुमने सिर्फ अंबर की। करूं मैं किस तरह से व्यक्त पीड़ा अपने अंदर की, करूं मैं किस तरह से व्यक्त पीड़ा अपने अंदर की। कहानी लिख नहीं सकती किसी खुश रंग मंजर की। और चार पंक्तियां और देना चाह रही हूँ। भाई का जन्मदिन है तो चार पंक्तियां देखिए, आपको भी अच्छी लगेगी। जिसे हम प्यार करते हैं उसी पे जान देते हैं, है सही है। जिसे हम प्यार करते हैं उसी पे जान देते हैं। अगर दुश्मन बिखर आए उसे सम्मान देते हैं। ये भारतीय परंपरा है हमारी कि जिसे हम प्यार करते हैं उसी पे जान देते हैं। अगर दुश्मन भी घर आए उसे सम्मान देते हैं। तुम्हारी और हमारी प्रीत तो सदियों पुरानी है, तुम्हारी और हमारी प्रीत तो सदियों पुरानी है। कहीं भी जन्म लेते हो तुम्हें पहचान लेते हैं, कहीं भी जन्म लेते हो तुम्हें पहचान लेते हैं। जिसे हम प्यार करते हैं उसी पे जान देते हैं। और चार पंक्तियां भारत की तरफ से सारे विश्व को सुने। जमाने को मोहब्बत का हम ही तो पाठ देते हैं, हमारे यहाँ राम कृष्ण बुद्ध महावीर हुए हैं जिन्होंने प्यार का संदेश सारे संसार को पढ़ाया है, सुनिएगा। जमाने को मोहब्बत का हम ही तो पाठ देते हैं, बड़ी उदंड नदियों को हम ही तो घाट देते हैं। जो बढ़ता है उसको हमने नीचे भी उतारा है, सुनिएगा। बड़ी प्रतीकों के माध्यम से बात करिए, सुनिएगा। जमाने को मोहब्बत का हम ही तो पाठ देते हैं, बड़ी उदंड नदियों को हम ही तो घाट देते हैं। समंदर में दुखों के डूब जाने का हमें डर क्या, समंदर में दुखों के डूब जाने का हमें डर।
कर क्या, मिली खुशियाँ तो हम उनको सभी में बांट देते हैं। जमाने को मोहब्बत का हम ही तो पाठ देते। अनेक अनेक शुभकामनाएं मेरे भाई विनोद जैन को, ईश्वर उनको सुख समृद्धि। बहुत ही शानदार हम सबको बातें समझाई उनके, जो भी प्रस्तुति थी उससे हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिला है, और उन्होंने जो भी बोला है बहुत ही उच्च कोटि की थी उनकी भाषा शैली, जो शायद हम लोग नहीं बोल पाएंगे। तो और हमारे जो उपस्थित हैं आदरणीय मीना भट्ट जी, जो बहुत ही सुंदर छंद लिखती हैं, मैंने उनके छंद बहुत पढ़े हैं और कई बार लिखा भी है, दीदी आप बहुत अच्छे छंद लिखती हैं, और छंदों में तो उनको महारत हासिल है छंद लिखने में तो, और वो जिंदगी भर न्याय की आसन में विराज रही बैठी हैं, विराजमान रही हैं, और मैं उनको दो पंक्तियों से आमंत्रित कर रही हूँ कि ये माना जिंदगी की राह आसान नहीं, ये माना जिंदगी की राह आसान नहीं, पर मुस्कुरा कर चलने में नुकसान नहीं, पर मुस्कुरा कर चलने में नुकसान नहीं। आदरणीय मीना दीदी आप आमंत्रित हैं। सभी को नमन। नयन जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। मैं अभी उतना निकलती नहीं हूँ, पर नयन जी का फोन आया तो मैं आ गई। पहला मतला है गजल का नयन जी के लिए, वो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। नयन से मेर कभी नजर होशियार हो रही है, करार दिल को मिला है गुलजार हो रही है, करार दिल को मिला है गुलजार हो रही है। बहुत दिनों से मैंने कोई गजल नहीं लिखी थी, रदीफ ही नहीं मिल रहा था, सोचा कि कोई रदीफ मिल जाए, बहुत रदीफ इकट्ठे किए, फिर एक रदीफ पसंद आया, आप लोग को भी पसंद आया होगा, अनोखा है, कभी सुना ना। तू ही चेहरे निगाह है मीना, तू ही चेहरे निगाह है मीना, पूरी महफिल गवाह है मीना, पूरी महफिल गवाह है मीना, रहती दिलों में तो आग है मीना, रहती दिलों में तो आग है मीना, और होठों पे बाहर है मीना, और होठों पे बाहर है मीना, प्यार में संग सारे क्यों होते, प्यार में संग सारे क्यों होते, प्यार जैसे गुनाह है मीना, प्यार जैसे गुनाह है मीना। काफिया और रदीफ में बोलो, काफिया और रदीफ में बोलो, कितना मुश्किल निबाह है मीना, कितना मुश्किल निबाह है मीना, यूं लगे है उसूल पर चल कर, यूं लगे है उसूल पर चल कर, जिस्म जैसे तवाह है मीना, जिस्म जैसे तवाह है मीना, ताज मुमताज की निशानी भी, ताज मुमताज की निशानी भी, एक उल्फत की गाह है मीना। अब इसका मतलब देखिएगा, ये तो आपको बहुत पसंद आएगा। लगा के मीना की एक अंगूठी में,
लगा के मीना की एक अंगूठी में पाया जैसे पनाह है मीना, पाया जैसे पनाह है मीना, तू ही चेहरे निगाह है मीना, तू ही चेहरे। अब मैं नजर जी को बादाम खिला दू जन्म के मोहब्बत में हुए हैं हम बहुत बदनाम कहते हैं, मिलेगा अब नहीं हमको कभी आराम कहते हैं, फटे मलबूस हैं तन पर नहीं है नूर चेहरे पर, वफा के हैं मुलाजिम हम, वफा के हैं मुलाजिम हम, हमारे काम कहते हैं। खुबाई के बड़े चर्चे जहाँ में शोहरतें भारी, खुबाई के बड़े चर्चे जहाँ में शोहरतें भारी, सुखन पर देखिए उनको उमर खैयाम कहते हैं, सुखन पर देखिए उनको उमर खैयाम कहते हैं, जहाँ धरती पे जन्नत है, जहाँ धरती पे जन्नत है वही कश्मीर भारत में, जहाँ धरती पे जन्नत है वहाँ वही कश्मीर भारत में, जहाँ की चाय है मशहूर, जहाँ की चाय है मशहूर उसे आसाम कहते हैं, तुम्हीं से रोने की घर की दरो दीवार है कहते, तुम्ही से रोने के घर के दरो दीवार है कहते, परी हो तुम फलक की बात ये गुलफाम कहते हैं। अब आपको बादाम खिलाते, चले खेतों से लाकर हम गुजारा अपना कर लेते, चले खेतों से लाकर हम गुजारा अपना कर लेते, मयसर कब हुआ, मयसर कब हुआ हमको जिस बादाम कहते हैं, मयसर कब हुआ हमको जिस बादाम कहते, मतलब ये बहुत पसंद आया। पता जिनको नहीं मीना, पता जिनको नहीं मीना, गजल का है अलिफ बे क्या, पता जिनको नहीं मीना, गजल का है अलिफ बे क्या, वही गजलों की महफिल में, वही गजलों की महफिल में हमें नाकाम कहते, गजलों की महफिल में हमें नाकाम कहते। धन्यवाद। आवाज खतरा आपको कोई नाकाम नहीं कहता। हमारे आज के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर सलमा जमाल दीदी जी मंच पर उपस्थित हैं, और सलमा दीदी जितनी अच्छी गजल लिखती हैं उतने अच्छे देवी गीत भी लिखती हैं, और बहुत ही अच्छी बुंदेली रचनाएं भी लिखती हैं, और वो हमेशा मैंने देखा है जितना मैं उनको जानती हूँ कि उनका विश्वास सर्व धर्म संभव में है, वो सारे धर्मों को बराबर से मान देती हैं, तो मैं उनके लिए दो लाइनें बोल के उनको आमंत्रित करूँगी। कला और कलाकार का कोई धर्म नहीं होता, कला और कलाकार का कोई धर्म नहीं होता, कला से खूबसूरत कोई कर्म नहीं होता, कला से खूबसूरत कोई कर्म नहीं होता। आदरणीय सलमा दीदी जी आएँ और हम सबको अनुग्रहित करें। Thank you.
आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी रचनाकार और हमारे साहित्यकार भाई, मंचासीन सभी हस्तियां यहाँ आकर जो मौजूद हैं, सभी का मैं अभिवादन करती हूँ। और नयन जी ने पता नहीं क्यों एक बीमार को वहाँ अध्यक्ष बनाया हुआ है, सब बीमारी मिले बोलो आप नहीं बीमार को नहीं बनाया, जो जल्दी भाग जाता उसको बनाया जिसमें बैठे रहे आराम से आखिरी वक्त तक। आज नए 900 के 7 दिवसीय आयोजन का चौथा दिन है, जिसे कवि सम्मेलन की गरिमामय संबोधन जिसे दिया गया है। इस आयोजन में लगभग 27 कवित्रियों ने भाग लिया है और आज के कार्यक्रम में कवित्री सम्मेलन में मुख्य अतिथि श्रीमती मीना भट्टी जी, विशिष्ट अतिथि हमारी प्रिय दर्शनी लगाए लेकिन प्रिय अंबर ठाकरे जी, और विशिष्ट अतिथि गायत्री चौबे जी, और संयोजक अर्चना गोस्वामी जी। संचालन किया कविता राय जी ने, बहुत बढ़िया संचालन किया है। और मैं यहाँ पर उपस्थित अपने वरिष्ठ भाई मोहन शशि जी को अलग से नमस्कार करती हूँ और उनका आशीर्वाद चाहती हूँ। आज की जो शुरुआत हुई, निशा तिवारी जी ने यहाँ पर बहुत अच्छा एक भजन प्रस्तुत किया और आध्यात्मिक गीत बहुत से प्रस्तुत हुए, जिसमें विनीता पैगवार जी हैं, रानू रूही जी की तो तारीफ करने में मैं निशब्द हूँ, गले की तारीफ करूँ, आवाज की करूँ, कि शब्दावली की करूँ, कहाँ की करूँ, तो बहुत ही प्यारी उन्होंने अपनी यहाँ पर रचना प्रस्तुत की। मीना भट्टी जी की गजल जो मीना मीना मीना, तो वाकई मुझे भी मीना मीना ही नजर आने लगा। मीना के बहुत से अर्थ होते हैं, बड़ी इन्होंने अर्थ भरी यहाँ पे गजल अपनी प्रस्तुत की है। सुनीता गुप्ता जी ने मानव मन की बात अपनी कही और कोशिश की है सब तक पहुंचाने की। वंदना विनम्र जी माँ पर बहुत सुंदर मुक्तक आपने प्रस्तुत किया और गजल और हास्य छंद भी बहुत कुछ उन्होंने यहाँ पे हम लोगों के बीच में परोसा है, शायद सभी ने उसका रसा स्वादन किया होगा। रजनी कोठारी जी वैसे भी बहुत मशहूर है, वो कभी सम्मेलनों में जाती हैं, अच्छी गजल कहती हैं, अच्छी रचनाएं वो प्रस्तुत करती हैं। आज का माहौल ऐसा रंगारंग सा रहा कि लग रहा था कि सिर्फ हम ही हम हैं। गायत्री चौबे जी का गीत बहुत सुंदर था, अर्चना गोस्वामी जी भी बहुत मशहूर हस्ती है हमारे बीच में कि हम उन्हें अभी नहीं पा सके हैं। नर्मदा पर उन्होंने बहुत अच्छी अपनी आस्था व्यक्त की। मनोरमा गुप्ता जी सफलताओं पे उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति दी, सफलताएं कैसे दी मिलती हैं और क्या क्या कोशिश करना चाहिए, हमें सफलताओं के लिए क्या करना चाहिए, ये उन्होंने अपनी रचना में व्यक्त किया है। रचना श्रीवास्तव टूटे हुए आईनों में इन्होंने अपना चेहरा हम लोगों को दिखा के ये भी शायद चली गई है। गीता पांडे बेबी ने अपनी श्रृंगार रस की रचना की सुंदर अभिव्यक्ति हमारे बीच में प्रस्तुत की। प्रतिभा पटेल बिना तैयारी के, तो सारे लोगों ने कमेंट दिया ऐसा है तो तैयारी के साथ कैसा होगा, अगली बार देखेंगे आपको तैयारी के साथ बुलाएंगे, लेकिन आप हर समय मुझे पूरी तैयार ही लगती हैं। है कि नहीं। मंजू चौकसे जी ने शरद पूर्णिमा पर अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। तरुणा खरे जी ने इजहारे मोहब्बत का पैगाम देते हुए महफिल जमाने की कोशिश की। मंजू गौरे जी ने एक श्रृंगार रस का अपनी अभिव्यक्ति दी और मंजू गौरे जी को देख के मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं किसी डॉल को देख रही हूँ, बिल्कुल अपनी हो, इतनी प्यारी लगती है, या तो मेरी उम्र ज्यादा है तो मेरे अंदर थोड़ा सा वात्सल्य रस। एक काजल मणि पाई थी गड़की ना, जिसका नाम नहीं था, उसने भी नर्मदा पे बहुत अच्छी अभिव्यक्ति दी। कविता राय जी ने बहुत अच्छा अपना वो भजन भी किया और संचालन बहुत अच्छा,
पहली बार ऐसा है तो आगे बहुत कुछ होगा। मैं दो चार पंक्तियां नयन जी को अर्पित करती हूँ। हौसले की नींव ले, हौसले की नींव ले, तू तो बस आगे निकल। हौसले की नींव ले, तू तो बस आगे निकल। तुझको रोके ये समुंदर की औकात नहीं। अगली आपको मैं जन्मदिन की मुबारकबाद देती हूँ कि आप हमेशा अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें और ईश्वर आपको जो ना आपने चाहा हो वो भी सुख खुशियां दें। हो जन्म मुबारक, हो जन्म दिन मुबारक, देती हूँ मैं दुआएं। हंसते रहें हमेशा, गम पास ना आए। जमीनों आसमां से आती हैं ये सदाएं, सौ साल चांद सूरज तेरा जन्म दिन मनाए। फिराक गोरखपुरी ने कहा है, ये माना जिंदगी है चार दिन की। लोग कहते चार दिन की जिंदगी है, ये माना जिंदगी है चार दिन की, बहुत होते हैं यारो चार दिन भी। तो नयन जी छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढ लेते हैं और उसके लिए हम लोगों को सम्मिलित कर लेते हैं, उन खुशियों में हम भी शामिल हो जाते हैं। वरना जन्मदिन तो हमेशा होता है, कभी पता चलता है कभी नहीं चलता है, लेकिन इस बार हम धन्यवाद देंगे प्रतिभा पटेल जी को, दिनेश सोनी जी को, कि आपने इसको इतना रंगोत्सव बना दिया है कि शायद आगे हमें डेट भी नहीं भूलेगी और नहीं भूलेगा। आप कहें तो एक कविता पढ़ें। कवित्री सम्मेलन है इसलिए मैं हिंदी की कविता पढ़ूंगी। मोहन शशि जी भाई के पास हम लोग जाया करते थे भारत सेवक समाज से इनके साथ, लेकिन इनका प्यार इन पे रहता था, ये आजू बाजू नहीं देखते थे। मैं भी रहती थी सामने कुर्सी में बैठी हुई और आगे तो देखिए कम से कम। एक हिंदी गीत है, नदी की धारा। जीवन एक नदी की धारा, बहता मानव बेचारा, जिसका एक किनारा है सुख दुख है दूजा किनारा। जीवन एक नदी की धारा, बहता मानव बेचारा, जिसका एक किनारा है सुख दुख है दूजा किनारा। जीवन एक नदी की धारा, सुख दुख से जो मुक्त हो जाए जीना सीख ले, काम क्रोध का दमन करे इंद्रियों को जीत ले। सुख दुख से जो मुक्त हो जाए जीना सीख ले, काम क्रोध को दमन करे इंद्रियों को जीत ले। ये दुनिया फिर स्वर्ग धाम है, यह दुनिया फिर स्वर्ग धाम है, कर ले बारा न्यारा, जिसका एक किनारा है सुख दुख है दूजा किनारा। जीवन एक नदी की धारा, मत भेद भले ही हो जाए, मन भेद न होने पाए, माया मोह के बंधन टूटे, अश्रु न बहना पाए। मत भेद भले ही हो जाए, मन भेद न होने पाए, माया मोह के बंधन टूटे, अश्रु न बहने पाए। धूप छाओ पहलू सिक्के के, धूप छाओ पहलू सिक्के के, तुमने कभी विचारा, जिसका एक किनारा है सुख दुख है दूजा किनारा। जीवन एक नदी की धारा, प्रथम गुरु माँ होती है और गोद प्रथम पाठशाला, जिसने इसका इसको गुरु न माना उसका जीवन काला। प्रथम गुरु माँ होती है और गोद प्रथम पाठशाला, जिसने इसको गुरु न माना उसका जीवन काला। मन की आंखें खोलोगे तो, मन की आंखें खोलोगे तो खुलेगा।
जिसका एक किनारा है सुख दुख है दूजा किनारा, जीवन एक नदी की धारा। मेरी बड़ी बहन डॉक्टर शर्मा जमाल जी ने कर दी है, जितनी हमने आज कवित्रियां बुलाई थी वो सारी उपस्थित रही हैं। दो जो नहीं आई हैं वो दीपक तिवारी वाले कार्यक्रम में भी है, उनका फोन आया कि हम दीपक तिवारी वाले कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। सभी ने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया, मेरे लिए आपने जितनी भी दुआएं की हैं, जितना आशीष दिया है, जितनी शुभकामनाएं दी हैं, मैं अल्लाह ताला